वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सब यहां एकत्र हुए हैं ज्ञान की चर्चा करने और सुनने के लिए। दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो किसी प्रकार की चर्चा कर सकता है और सुनकर उसे समझ सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त जो प्राणी हैं, उनके पास वाणी का विकास नहीं है और मन का विकास नहीं है, इसलिए वे ज्ञान की चर्चा न तो कर सकते हैं और न ही ज्ञान चर्चा सुनकर उसे समझ सकते हैं। उनके पास वाणी न होने के कारण वे बोल तो नहीं सकते, मनुष्य ही बोल सकता है। सारा ज्ञान का आदान प्रदान वाणी द्वारा ही होता है। वाणी न होती तो ज्ञान की चर्चा कैसे चलती, ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गलत बात बोल बोल कर और गलत चर्चा सुन सुन कर जितना मनुष्य का मन बिगड़ा हुआ है, उतना किसी अन्य प्राणी का मन बिगड़ा हुआ नहीं है। किसी बात को सुनने के पश्चात आदमी उस पर मनन करता है और मनन में जब संतुलन नहीं होता है तब आदमी भीतर से कितना दुखी होता है, तनावग्रस्त होता है, यह सब अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है हम ऐसी कोई चर्चा न सुने जिसे सुनकर मन विकारी हो, चंचल हो, चिंताग्रस्त हो और तनावग्रस्त हो। ऐसी चर्चा न करनी चाहिए और न सुननी चाहिए, किंतु सदैव हमें ऐसी चर्चा सुननी चाहिए, ऐसी बात सुननी चाहिए जिसे सुनकर हमारा मन चिंता मुक्त हो, मन की उलझन, मन का तनाव दूर हो, मन में अच्छे विचार आए। और जब अच्छे विचार आएंगे तो अपने आप अंदर से शांति प्रकट होगी। हवा थोड़ी कम कर दें। अच्छे विचार के परिणाम में ही मन में शांति आ सकती है। तो ज्ञान की चर्चा केवल आदमी करता है, अन्य जानवर को इसकी आवश्यकता नहीं है और वे कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग यहां ज्ञान चर्चा करने सुनने के लिए एकत्र हुए हैं और इसके मूल में है भक्तवर श्री प्यारे लाल जी की स्मृति।
कोई ना कोई बहाना आदमी को चाहिए, तो कभी खुशी के प्रसंग में, कभी किसी की स्मृति में आदमी कोई आयोजन करता है। यह आयोजन भी इसी उद्देश्य से हुआ है कि हम सत्संग चर्चा करें। सत्संग चर्चा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारा मन सत में स्थित हो, और सत में स्थित होने के साथ साथ हम परम सुख परम शांति का अनुभव कर सकें। एक बात हम लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। हम देखते हैं कितनों को दुनिया से जाते हुए, और देखते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं हैं जितना पाप। तो लोगों को दुनिया से जाते हुए हम केवल देखते ही नहीं हैं, कितनी की शव यात्राओं में हमें शामिल होने का भी अवसर पड़ा है, कितने लोगों की चिताओं को हमने जलते हुए देखा है, और कितने लोगों की कब्रों में हमने खुद मिट्टी डाली है, दूसरे की चिता को जलते हुए देखकर किसी की कब्र में मिट्टी डालते हुए क्या हमें ये ख्याल हुआ कि एक दिन इसी शमशान घाट में मेरी भी चिता जलेगी और मेरी भी कब्र खुदेगी, एक दिन मुझे भी यहां आना ही पड़ेगा, वहां गए बिना किसी को छुटकारा नहीं है। जीवन का अंत मृत्यु में होना है। यदि हम इस बात को अच्छी तरह से अनुभव कर सकें, यह बात हमारे मन में ठीक से जम जाए और हर समय यह बात ख्याल होती रहे, तो हमारे द्वारा कभी कोई पाप नहीं हो सकता, कभी कोई गलत कर्म हो नहीं सकता, हमारे द्वारा किसी को दुख मिल नहीं सकता। जब दुनिया से जाना है तो किसी को दुख दे करके क्यों जाए? दुनिया से जाना है तो पाप करके क्यों जाए? यदि हम किसी को दुख देते हैं, कोई पाप करते हैं, तो उसका परिणाम होगा स्वयं दुख भोगना। पाप का फल दुख होता है, इससे कोई बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल हमें अपने पाप कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। कोई इससे बचा है नहीं, लेकिन अपनी मौत की याद हमें होती नहीं है। हम समझते हैं हमें तो बहुत दिनों तक दुनिया में रहना है, लोग चले गए तो चले गए, हमें भी थोड़े जाना है। यहां तक लोग सोचते कैसे हैं, जिनकी उम्र 70-75 साल की हो गई, वे सोचते हैं अभी तो मेरी उम्र 70-75 साल की है, लोग तो 80-85 तक जीते हैं, अभी तो मैं और जी सकता हूं। और जब आदमी 80-85 में पहुंचता है तो सोचता है अरे अभी तो उम्र 80-85 तक ही है, लोग तो 90-95 तक जी लेते हैं, अभी तो मैं और जी सकता हूं।
और मान लो 90-95 साल तक भी आदमी जी लिया तो क्या सोचता है, लोग तो 100 से पार भी कर लेते हैं, अभी तो मेरी उम्र 95 साल ही है। हमेशा आगे आगे की आशा आदमी करता रहता है। लेकिन हम कितनी लंबी जिंदगी जीते हैं इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है जीवन को कैसे जीते हैं। लंबी जिंदगी जी लेना कोई सौभाग्य की बात नहीं है, सौभाग्य की बात है जितना भी जीवन मिला हो उसको सही ढंग से जीना, ऐसे ढंग से जीना जिसमें जीवन भर हमारा मन पूर्ण संतुष्ट तृप्त और आनंद से भरा हुआ हो और हमारे द्वारा कभी किसी को तकलीफ न मिले किंतु लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी सेवा मिले, तो जिंदगी की सार्थकता है, जिंदगी की सफलता है। सदगुरु श्री पूरन साहब 32 साल की उम्र में ही शरीर छोड़ दिए थे। जीवन पूर्ण वैराग्य से व्यतीत हुआ, त्याग तप साधना से व्यतीत हुआ। 32 साल की उम्र में उन्होंने अपना कल्याण तो किया ही, हम लोगों के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए वैराग्य शतक निर्णय सार और बीजक की पहली टीका त्रिज्या देकर चले गए। आज उनकी टीका को पढ़कर, वैराग्य शतक को पढ़कर कितने लोग कल्याण के पथ पर चल रहे हैं, और 32 साल की उम्र में उन्होंने ये काम किया। स्वामी शंकराचार्य 32 साल की उम्र में ही उनका भी शरीर शांत हुआ था, और आज से 1200 साल पहले जब आज का कोई साधन नहीं था, न सड़क थी, न रेल थी, न मोटर थी, पैदल का जमाना था, पूरे भारतवर्ष में घूम घूमकर उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया। बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका और पुरी, भारत के चार कोनों में चार मठ स्थापित किया। जीवन पूर्ण वैराग्य और ज्ञान से व्यतीत किया, बहुतों का कल्याण किया। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जो महाराष्ट्र में हुए हैं, गीता पर उनकी बहुत सुंदर टीका है, ज्ञानेश्वरी टीका मराठी में है, और 22 वर्ष में हुए शरीर छूट गया उनका, 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मराठी में गीता की टीका लिखी। कितनों का कल्याण किया। और भी अनेक उदाहरण दिया जा सकता है। तो जिंदगी लंबी है कि जिंदगी छोटी है, मूल्य इसका नहीं है। मूल्य इसका है कि जीवन को कैसे जिया जा रहा है, जीवन जीने का तरीका क्या है। लंबी जिंदगी मिल गई, अब जरा ख्याल करो, लादेन बन करके जिन लंबी जिंदगी जियोगे तो फायदा क्या होगा। आजकल के आतंकवादी जो निरपराध लोगों को गोलियों से भून देते हैं, ये लोग लंबी जिंदगी जीते रहे तो अपना भला करेंगे, दूसरे का भला करेंगे। ऐसे लोग लंबी जिंदगी जिएंगे तो अपना तो नरक बनाएंगे ही बनाएंगे। कितने निरीह मासूम निरपराध लोगों की हत्या करके दुनिया को भी नरक बनाते रहेंगे, फायदा क्या होगा। ये आजकल के जो आतंकवादी हैं, इन्हें ही आप राक्षस या दैत्य कह सकते हैं। पुराणों में, रामायण में हम राक्षसों की चर्चा पढ़ते हैं और ये सुनते हैं कि राक्षस बड़े क्रूर होते थे, अत्याचारी होते थे, दूसरों को केवल दुख देते रहते थे, लूटपाट करते रहते थे। और ये भी सुनते हैं कि वे बड़े भयंकर होते थे, उनके बड़े बड़े सिंह होती थी, बड़े बड़े दांत होते थे और बड़े काले कलूटे होते थे। ये सिंह होते थे, लंबे होते थे, काले कलूटे होते थे, ये तो
बाद में जोड़ दिया गया। हाँ, अत्याचारी होते थे, निरपराधों की हत्या करते थे, दुनिया दूसरों को दुख देते थे, ये तो सही है। तो आप समझ सकते हैं आज के जितने आतंकवादी हैं सब आजकल के राक्षस हैं, और कुछ और है नहीं, वो भी आदमी ही हैं। बुद्धि में विकृति हो गई है, बुद्धि में गड़बड़ी हो गई है, अच्छी संगत नहीं मिली, गलत सीख मिली, बुद्धि बदल गई, स्वयं लुक छिप करके भय से जीवन जी रहे हैं और दुनिया भर को भयभीत किए हुए हैं। तो ऐसी जिंदगी किस काम की जिंदगी है? जिंदगी तो वह जिंदगी है जिसमें जब तक अपना जीवन व्यतीत हो, जब तक शरीर रहे, तब तक मन शांत हो, निर्मल हो, प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, और हमारे द्वारा दूसरों को सुख मिले, शांति मिले, प्रसन्नता मिले, सेवा मिले और अच्छी प्रेरणा मिले। अच्छी प्रेरणा के अभाव में आदमी सर्वत्र भटक रहा है। मूल रूप में आदमी निर्दोष होता है, मूल रूप में आदमी पापी नहीं होता। संगत जैसी मिलती है, सीख जैसी मिलती है, वातावरण जैसा मिलता है, उसी अनुसार से आदमी का जीवन उसी सांचे में ढलता चला जाता है। इसलिए अच्छी संगत की जरूरत है, अच्छी सीख लेने की जरूरत है। सीख अच्छी होगी, संगत अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी, कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, जीवन का व्यवहार अच्छा होगा और जीवन में सुख शांति का साम्राज्य होगा। और अपने जीवन में ही नहीं, बाहर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं कह रहा था कि यदि हम अपनी मौत की याद रखें, मौत को देखें, तो हम गलत रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ऐसा नहीं है कि मौत की याद करते रहने से मौत जल्दी आ जाएगी, और मौत को याद नहीं करेंगे तो मौत देरी से आएगी। याद करो या न करो, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर बना रहेगा, प्रारब्ध पूरा होने के पहले मौत नहीं आएगी। एक युवक था, वो कहा करता था, लोग कहते हैं कि मर जाओगे मर जाओगे, बिना मतलब की बात करते रहते हैं, मर जाओगे मर जाओगे। अरे कैसे मर जाएंगे, मैं तो जब मरने का समय आएगा तो उठ करके बैठ जाऊंगा, कैसे मरूंगा मैं तो सोचता नहीं हूं कभी मरने के बारे में। जो लोग सोचते हैं कि मरूंगा मरूंगा, उनकी मौत होगी, और मैं तो सोचता नहीं हूं मरने के बारे में, मैं थोड़े मरूंगा। सुंदर शरीर था, जवानी थी, बल था, धन था, तो इस सबका बड़ा अहंकार था उसे। अब बराबर यह कहा करता था, मैं तो नहीं मरूंगा, मौत आएगी तो उठ करके बैठ जाऊंगा। बस दो चार साल बीते, शरीर में भयंकर बीमारी हो गई, एकदम खाट में पड़ गए, शरीर एकदम जर्जर, उठना बैठना मुश्किल, और बस थोड़े दिनों में ही शरीर छूट गया। तब लोग कहते थे, अब इनसे कैसे पूछे, भैया तुम कैसे मर गए? कहते थे मैं तो मरूंगा नहीं मरूंगा नहीं नहीं। अब इनसे पूछे कैसे तुम कैसे मर गए, उत्तर तो दे नहीं पाएगा ये। तो मौत तो सबकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मौत के बारे में सोचेंगे तो मौत जल्दी आएगी, और नहीं सोचेंगे तो देरी से आएगी। होते तो जब आना होगा तब आना होगा।
एक बात ख्याल रखें, जीवन में केवल एक ही बार मरना होगा। कोई आदमी जीवन में कितने बार मरता है? एक ही बार तो मरता है। आप जीवन में 10 बार घर बना सकते हो, 10 बार दुकान बदल करके नए नए दुकान कर सकते हो, नए नए काम कितने बार चाहो तो बदल सकते हो, और बहुत काम कर सकते हो, लेकिन मौत जीवन में केवल एक ही बार आती है, कोई 2 बार नहीं मरता है। लेकिन मौत आने के पहले जिन्होंने शरीर संसार का मोह छोड़ दिया, वह जीते जी मानो मर गया और मर करके संसार से तर गया। मरना क्या करे, मेरी मरे बलाए, मरना था तो मरी गया, अब को मरने जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, मर जाऊंगा ऐसा सोच करके भयभीत क्यों होते हो? मेरी मरी बलाए, मेरी तो बलाएं मर गई, इच्छाएं मर गई, कामनाएं मर गई, तृष्णाएं मर गई, वासनाएं मर गई। बला कौन है? आपत्ति क्या है जीवन में? अनेक प्रकार की आपत्तियां लोग मानते हैं। ये आपत्ति, धन का नाश हो जाना आपत्ति है, रोग हो जाना आपत्ति है, प्रिय का वियोग हो जाना आपत्ति है, खेती में नुकसान जाना आपत्ति है, व्यापार में नुकसान जाना आपत्ति है, तमाम प्रकार की आपत्ति है। साहब तो ये सब आपत्ति नहीं है, असली आपत्ति है मन की आशा, तृष्णा, कामना और वासना। और जब तक ये आपत्तियां नहीं मिटेगी, जीवन में कोई आदमी आपत्तियों से बच नहीं सकता है। तो सदगुरु कहते हैं, मेरी मरी बलाए, मेरे तो मन की बला, आशा, तृष्णा, वासना मर गई। मरना था तो मर गया, अब जिसको मरना था आशा तृष्णा वासना को, वो तो मर गया। अब आशा तृष्णा वासना मर गई, जीव अमर हो गया। जीव तो अमर है ही, अब को मरने जाता पता है? अब मुझे कहां मरना है, मैं तो अमर हो गया। इसलिए शरीर छूटने की चिंता नहीं करनी है, चिंता करनी है शरीर रहते रहते शरीर का मोह छोड़ने की, चिंता करनी है संसार में रहते रहते संसार की आशा वासना को छोड़ने की। जिन्होंने शरीर संसार में रहते हुए संसार की आशा वासना का त्याग कर दिया, उनके लिए शरीर चाहे आज छूटे चाहे कल छूटे, सब समय वे मुक्त हैं। हमें ऐसे ही जीवन बनाना है, और जब तक ऐसा जीवन नहीं बनेगा तब तक जीवन में हम दुखों से मुक्त हो नहीं सकते। हम चाहते क्या है? हम सब यही चाहते हैं कि हम दुखों से मुक्त हों। दुख किसी को प्रिय नहीं है, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो। लेकिन दुख कहां से आता है, दुख का कारण क्या है, उस कारण को जानकर जब तक मिटाया नहीं जाएगा हम दुख से बच कैसे सकते हैं? दो बात हर आदमी के मन में होती है, और दोनों बात अंततः एक ही बात है, वो क्या है? दुख से मुक्ति और कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और ये कहने के अलग अलग शब्द हैं, वस्तुतः कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति एक ही बात है। दुख नहीं रह गया, मोक्ष मिल हो गया, मोक्ष मिल गया तो दुख समाप्त हो गया। तो मोक्ष का रास्ता, दुख निवृत्ति का रास्ता क्या है? बाहर से हम चाहे जो कुछ प्राप्त कर लें, जितना हमारा धन हो जाए, पद हो जाए, वैभव हो जाए,
मान सम्मान हो जाए, हमें गद्दी महंती मिल जाए, बड़ा नाम संसार में फैल जाए, इन सब से हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। किसी का दुख दूर नहीं हुआ है, और हमारा मन दौड़ता कहां है, इनके प्रति ही दौड़ता है। धन बढ़े, पद बढ़े, नाम बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, साधु हो गए तो मठ बढ़े, चेला चाटी बढ़े, पूजा प्रतिष्ठा बढ़े, और जितना बढ़े बढ़े कि हम कामना करते हैं, उतना ही हम भीतर से खाली होते चले जाते हैं। अब भीतर से खाली होने का अर्थ दुख पर दुख का अनुभव करना। परेन पूरी दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग विहूना। साहब कहते हैं परेन पूरी, आदमी को पूरा नहीं पड़ता है, दिन दिन वह छीन होता चला जा रहा है, दुनिया को बटोर बटोर कर किसे पूरा हुआ है, किसका पूरा हुआ है। पहले हमें यह देखना होगा हमारे मन में जो तृष्णा बनी हुई है, हमारे मन में जो खालीपन का अनुभव हो रहा है, उसका कारण क्या है। खालीपन का अनुभव, अतृप्ति का अनुभव, असंतोष का अनुभव, उसका कारण है बाहरी प्राणी पदार्थों की इच्छा। जितनी ज्यादा इच्छा होगी उतना ज्यादा असंतोष होगा, उतनी ज्यादा बेचैनी होगी। दूसरे को देख देख करके आदमी इच्छा बढ़ाता चला जाता है। देखो मेरे पड़ोसी का मकान कितना बड़ा मकान हो गया है, मेरा मकान तो एक ही तल्ले का है, अब पड़ोसी का मकान चार तल्ले का मकान हो गया, ऐसे ही मेरा मकान होना चाहिए, इच्छा हो गई। पड़ोसी के यहां नई गाड़ी आ गई, अब उसको देखकर हमारे मन में होता है कि ऐसी ही गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। किसी का बड़ा मान सम्मान देखे, इसके तो बहुत मान सम्मान है, हजारों लोग इसके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, ऐसे ही मेरा मान सम्मान होना चाहिए, इच्छा हुई। और जहां ये ऐसी इच्छा हुई, ऐसा मकान मेरा हो, ऐसी गाड़ी मेरी हो, ऐसा मान सम्मान मेरा हो, बस दुख शुरू हो गया। क्योंकि इच्छा करने मात्र से तो सब मिलने वाले नहीं है, वो तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ का वेग होता है, दोनों का संयोग होता है, तब ये सब चीजें मिलती है, और कई बार नहीं भी मिलती है। लेकिन मिल भी जाए तो क्या भीतर कोई तृप्त हो जाएगा? कोई तृप्त नहीं हुआ है आज तक। दुनिया के ऐश्वर्यों को बटोर बटोर कर किसी के मन में शांति नहीं आई है। लखपति करोड़पति को देखकर सोचता है मैं करोड़पति बन जाऊं। अब करोड़पति होता तो बड़ा सुख मिलता, लेकिन करोड़पति से जाकर के पूछो भैया आपको कितना सुख है, अरे मुझे, वो कहेगा मुझे कहां सुख है, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, देखो मेरे सामने अरबपति है। करोड़पति अरबपति को देखता है, और अरबपति खरबपति को देखता है। कितनी भी चीज बढ़ जाए मन पूरा होने वाला है नहीं। मन पूरा किससे होगा? सही समझ से और सही आचरण से, संतोष है। बिना संतोष के कभी किसी का मन पूरा हुआ नहीं है। सुख का रास्ता क्या है? केवल संतोष। संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। सदगुरु कहते हैं हे संतो, संतोष में सुख है, संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारा जलता हुआ हृदय शीतल हो जाएगा। संतोष की बात आती है तो तुरंत लोग कहते हैं कि हम संतोष कर लें तो हमारा तो विकास ही रुक जाएगा, संतोष कर ले तो आदमी कोई काम ही नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, कुतर्क करते हैं। संतोष का अर्थ
हाथ पर हाथ धर के आलसी बन जाना नहीं है। अब कोई आदमी आलसी बन करके बैठा है, कुछ काम धाम नहीं करता है, और लोग कहते हैं कुछ काम धाम करो, तो कहे मैं तो संतोषी आदमी हूं। ये दुरुपयोग है, संतोषी नहीं है वह महानिकम्मा और दरिद्र आदमी है, आलसी आदमी है। संतोष का अर्थ है जैसी शक्ति हमें मिली हो, जैसी योग्यता मिली हो, जैसा समय मिला हो, उसके अनुसार पूरा परिश्रम करना, समय शक्ति योग्यता के अनुसार पूरा परिश्रम करना, परिश्रम से कभी घबराना नहीं, और परिश्रम से जो मिले उसमें तृप्त रहना, उसमें आनंद मानना, यह संतोष का अर्थ है। असंतोष से विकास थोड़े होता है, असंतोष से तो जी जलता है। मेहनत करते चलो और जो मिले उसमें आनंद मानो, बस संतोष ये इसमें होगा। तो जब तक सही समझ नहीं होगी और संतोष नहीं होगा, तब तक आदमी सुखी नहीं हो सकता। दूसरों को देख देख करके आदमी जलता रहेगा। वो उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, मैं दोहरा देता हूं। एक आदमी था, उसने एक व्यापार शुरू किया। महीना भर के बाद उन्होंने अंदाज लगाया कि इस व्यापार को शुरू किए मुझे एक महीना हो गया है, कितना मुनाफा हुआ है, व्यापार कैसे चल रहा है। तो जब हिसाब किताब लगाया तो लगा कि नहीं, व्यापार सही चल रहा है और मुनाफा हुआ है। तो सोचा उसने यदि व्यापार ऐसे ही चलता रहा तो साल भर में मुझे 3 लाख का मुनाफा होना चाहिए। सोचा, परिश्रम से, उत्साह से, समझबूझ से काम किया और साल भर बाद जब हिसाब लगाया तो पता चला कि उसे मुनाफा 5 लाख का हो गया है। उन्होंने अंदाज लगाया था कि 3 लाख का मुनाफा होना चाहिए, लेकिन मुनाफा हुआ 5 लाख का। अब तो उस आदमी को बहुत सुखी होना चाहिए था, बड़ा प्रसन्न होना चाहिए था। कहां 3 लाख का अंदाज था, कहां 5 लाख का मुनाफा हुआ, 1.5 से ज्यादा मुनाफा हो गया। उसके सुख को, संतोष को क्या पूछना। लेकिन नहीं, वह आदमी बहुत दुखी हो गया। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि उसने सुना कि इसी चीज के व्यापार में मेरे पड़ोसी को 7 लाख का मुनाफा हो गया, मुझे तो 2 लाख का घाटा हो गया है। है कोई उपाय ऐसे आदमी सुखी होने का? 3 लाख का अनुमान था, 5 लाख का मुनाफा हुआ, 2 लाख से अधिक मुनाफा हुआ, सुखी होना चाहिए था, लेकिन सुखी नहीं हुआ। वो सोचता है मेरे पड़ोसी को तो 7 लाख का मुनाफा हो गया, मैं तो 2 लाख के घाटे में जा रहा हूं। तो ऐसे आदमी को 5 लाख नहीं, 50 करोड़ का भी मुनाफा हो जाए तो सुख नहीं हो सकता है। क्योंकि वह जो नहीं मिला है उसको देखेगा, जो दूसरों को मिला है उसको देखेगा। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है इच्छा और कामना, तृष्णा। और जिसकी इच्छा कामना तृष्णा मिट गई, उसे कौन चिंता। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहन साह। सदगुरु कबीर कहते हैं, चाहनाएं मिट गई तो चिंताएं मिट गई। जब तक चाहना होगी, जब तक कामना होगी, तब तक चिंता होगी। चाहना और कामना रख करके ये मिले ऐसा हो वैसा हो, मन में ऐसा भाव रख करके कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो कोई हो। कामना का अर्थ ही है चिंता और दुख। और जहां कोई कामना नहीं, साहब कहते मन हुआ बेपरवाह, मन तो निश्चिंत हो गया। अब मन निश्चिंत हो गया तो फिर वह साहन साह हो गया।
बिना पैसे की बादशाहत का अनुभव आदमी कर सकते हैं। आप सब बादशाह हैं और बादशाह हो सकते हैं, लेकिन अपनी बादशाहत का हमें और आपको अनुभव नहीं है। क्यों अनुभव नहीं है? दृष्टि बाहर है, बाहर की चीजों को हम महत्व देते हैं, अपने आपा को महत्व नहीं देते। सदैव से प्राणी और पदार्थों के बीच जीवन गुजरा है, अनादिकाल से अब तक हम शरीर धारण करते हुए आए हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ है जब प्राणी न मिले हों और पदार्थ न मिले हों। तो प्राणी और पदार्थों के बीच जीवन गुजरा है, उनका उपयोग करते रहे हैं, उनसे हम जुड़े रहे हैं, तो जुड़े जुड़े उनके प्रति ऐसा मोह हो गया है, ऐसा लगाव हो गया है कि उनको हम मानते हैं कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अधिक से अधिक लोगों से संपर्क रखना और अधिक से अधिक पदार्थों को बटोर कर उनका उपभोग उपयोग करना। तो दृष्टि सब समय बाहर है। अब दृष्टि जब बाहर होती है तब अपनी बादशाहत का अनुभव नहीं हो पाता। आप सब बादशाह हैं, सम्राट हैं। इच्छा कामना को छोड़ दें, बादशाहत का अनुभव कर सकते हैं। इच्छा कामना का नहीं छोड़ेंगे तो बादशाहत का अनुभव नहीं हो सकता। एक सेठ बहुत चिंतित रहा करते, बहुत चिंतित, और चिंता करता है दुख। चिंता जहां होगी वहां नींद नहीं आएगी। कैसी संपत्ति हो, चिंता जहां होगी वहां आदमी प्रसन्न रह नहीं सकता है। चिंता आदमी को प्राप्त धन ऐश्वर्य का भी सुख लेने नहीं देती है। आदमी को भीतर से भीतर वह खुरच खुरच करके खाती रहती, कमजोर करती रहती। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है तो घुन अंदर से अंदर लकड़ी को बिल्कुल खोखला कर देता है, एकदम कमजोर और निस्तेज कर देता है। ऐसे ही चिंता आदमी को भीतर भीतर एकदम कमजोर कर देता है, तोड़ करके रख देता है। तो सेठ पैसे वाले तो थे, लेकिन चिंता थी उसे, और चिंता के कारण नींद नहीं आती थी। अब जब नींद ना आए तो कितनी परेशानी होगी। बहुत दुखी रहा करता था वह। बहुत उपाय किया, अनेक डॉक्टरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, जिसने जैसा कहा वैसी दवाई की, वैसा उपाय किया। चिंता दूर नहीं हुई, दुख दूर नहीं हुआ, शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। घर वाले भी सब परेशान, पैसे की कमी तो थी नहीं। बहुत उपाय किया लेकिन चिंता दूर नहीं हुई। तो कुछ दिन के पश्चात एक सत्संगी सज्जन मिले, उसने कहा उसको देख करके, इसकी चिंता दूर हो सकती है और एक ही उपाय है। घर के लोगों ने कहा कौन सा उपाय, अब बताएं, जितना खर्चा होगा हम करने को तैयार हैं। तो सज्जन ने कहा उपाय यह है, जिस आदमी को कोई चिंता न हो उस आदमी का कुर्ता मांग कर ये पहन ले तो इसकी चिंता दूर हो जाएगी। लोगों ने कहा ये तो बहुत सस्ता उपाय है, चलो अभी हम कुर्ता की खोज करते हैं। निकले, एक बड़े सेठ मिले, एकदम बड़ी गद्दी में बैठे हुए थे, चार छह आठ दस लोग घेरे हुए बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था, बड़ा वैभव। उनके पास लोग गए, बातचीत किए, तूने पूछा कहो भाई कैसे आए हो? तो उन लोगों ने कहा सेठ जी हम आपके पास एक कुर्ता मांगने के लिए आए हुए हैं। सेठ ने कहा ये क्या, चार पांच कुर्ता ले जाओ, कोई बात नहीं, कुर्ते कभी थोड़े हैं यहां पर। लेकिन कहा सेठ जी एक बात बताएं, कुर्ता तो हम जरूर लेंगे आपसे, लेकिन एक बात बताएं, आपको चिंता तो नहीं है? कहा उन्होंने कहा अरे भाई सेठ को चिंता नहीं होगी, किसको चिंता होगी, और चिंता तो सेठ को ही होती है।
मुझे तो बहुत चिंता है। तो कहा तब रहने दीजिए, हमें ऐसे कुर्ता नहीं चाहिए, हमें तो उसका कुर्ता चाहिए जिसके पास कोई चिंता ना हो। तो कहा भाई खोजो, खोते रहे, जिसके पास जाए वो कहे मुझे ये चिंता है, कोई कहे मुझे ये चिंता, कोई कहे मुझे ये चिंता। साल बीत गया, कोई आदमी मिला ही नहीं जिसके कोई चिंता ना हो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, खोते रहे खोते रहे। तो घर वाले एक बार एक जंगल से होकर के रास्ता था, उसी में से जा रहे थे, तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे। चेहरे से तेज टपक रहा था, दिव्य चेहरा, एकदम अद्भुत शांति जान पड़ रही थी। लोगों ने कहा इसके चेहरे को देखकर, चेहरे को तेज को देखकर के लगता है कि इसके पास कोई चिंता नहीं होगी, चलो इनसे ही कुर्ता मांगते हैं। सेठ जी ध्यान, महात्मा जो ध्यान में बैठे थे, लोग गए बैठ गए, उन लोगों की आहट हुई तो महात्मा ने अपनी आंखें खोली, देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। पूछा कहो भाई कहां से आए कैसे आए? तो उन लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग अमुक अमुक काम से भटक रहे हैं, हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं, बहुत दवाई किए कोई चिंता दूर नहीं हुई। तो एक सज्जन ने कहा कि जिसे कोई चिंता ना हो उसका कुर्ता मांग लाओ, उसे पहन ले तो उसकी चिंता दूर हो सकती है। तो आपके चेहरे को देख करके, आपके जीवन को देख करके ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई चिंता नहीं होगी। महात्मा ने कहा सचमुच तुम लोग सही कहते हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, मेरा मन एकदम बेपरवाह है, फिक्र रहित चिंता रहित है, इसलिए मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो उन लोगों ने कहा महाराज जी तो ऐसा करिए आप अपना कुर्ता दे दीजिए ताकि हमारे पिताजी पहने और उसकी चिंता दूर हो जाए। उन्होंने कहा मेरे पास कुर्ता नहीं इसलिए तो चिंता नहीं है, कुर्ता होते मुझे भी चिंता हो जाती, मेरे पास भैया कुर्ता ही नहीं है। ये तो एक उदाहरण है। यहां कुर्ता से मतलब क्या है? कामना, इच्छा। जहां कामना होगी, इतना धन मिले, ऐसा मकान हो, ऐसे परिवार हो, लड़का इस प्रकार से सेवा करे, बहू इस प्रकार से बात माने, पत्नी इस प्रकार से आज्ञा माने, पति इस प्रकार से कहे, पिता इस प्रकार से मेरे ये करे, कोई कामना रखे मन में, अमुक यहां जाऊंगा तो ऐसा स्वागत करें, जहां कामना रखेंगे वहां चिंता और दुख शुरू होना ही होना है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हमारे मन में कामना होती है दुनिया के लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, उनका मन होगा वैसा व्यवहार करेंगे, हमारे चाहने से थोड़े व्यवहार करेंगे वे लोग, सबके पास अपना अपना मन है। तो सुखी होना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, पूरा परिश्रम करें, जो जहां है जिस श्रेणी में है जैसी योग्यता है जैसी शक्ति है, कोई खाली न बैठे, अपने अपने ढंग से पूरा परिश्रम पूरी मेहनत करे, लेकिन मन में कामना न रखे, कोई इच्छा न रखे। इच्छा रख करके कामना रख करके जीवन जिए तो देखेंगे आपका सुख कई गुना बढ़ जाएगा, आपका आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। और बढ़ेगा नहीं जब ऐसा समय आएगा कि मन पूरी तरह से इच्छा मुक्त, तो जीवन रहते रहते शरीर रहते रहते आप जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। और जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए ही हमें ये जीवन मिला हुआ है। जो जीते जी मुक्त हो जाएगा वो मरने के बाद भी मुक्त हो जाएगा। जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते जो न तरे, साहब कहते हैं जो जीते जी नहीं तरा है वह मरने के बाद क्या तरेगा? मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है, मुक्ति जीते जी होती है। और जीते जी मुक्ति का अर्थ क्या है? जीते जी मर जाना। मरना क्या है? अहंकार को मिटा देना, कामना को मिटा देना, दुनिया से कुछ मिले ये जो इच्छा है इसे मिटा देना, ये जीते जी मरना है। और जीते जी मरना नहीं है, अमृत को प्राप्त होना है। और ऐसा हर कोई कर सकता है, ऐसा करने के लिए
इस जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए ही हमें ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा कर लेना और बाल बच्चों को पाल पोस लेना, ये तो जानवर भी करता है, अच्छी तरह से कर लेता है। देखो, एक चिड़िया अंडा देने का समय जब आता है तब कहां कहां से घास के तिनके बटोर बटोर करके लाती है और घोंसला बनाती है, उसमें अंडा देती है और अंडे का सेवन करती है। कुछ दिन पश्चात अंडे से बच्चे निकलते हैं, चिड़िया उड़ती है और कहां कहां से दाने बीन करके लाती है और अपने बच्चों के मुख में डाल डाल करके उसका भी पालन पोषण कर लेती है। एक कुतिया है, बच्चा देती है, अब कुतिया के कई बच्चे हो गए, चार छह बच्चे हो जाते हैं और सब बच्चे एक साथ एक के ऊपर एक बैठे रहते हैं। अब बच्चे देने के पश्चात कुतिया कहां जाती है, कहां कहां से क्या क्या खाती है और खाकर कई बार ऐसा होता है कि वहां से आती है, उगल देती है, बच्चे खा लेते हैं और आकर अपने अपना पेट भरती है और आकर समय से आकर के बच्चों के बीच वो कुतिया खड़ी हो जाती है और उन्हें दूध पिला लेती है। कुतिया भी अपने बच्चों का पालन कर लेती है, एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों का पालन कर लेती है, हर जानवर अपने बच्चे का पालन करती है और उसका रक्षा करना भी जानती है। जैसे गाय कितनी सीधी होती है, कोई आदमी सीधा होता है बिल्कुल ईमानदार सीधा सरल तो कहते भाई आदमी उतना पूछो, वो तो गाय जैसा है, मतलब बहुत सीधा साधा आदमी है। गाय बहुत सीधी होती है, बिल्कुल सरल, लेकिन जब गाय बच्चा देती है और उस समय अपरिचित आदमी आती है तो कितना खूंखार बन जाती, छूने नहीं देती अपने बच्चे को गाय। अपरिचित आदमी, हाँ उसका मालिक जाए तो छूने दे देगी, उसे उठा देगी, लेकिन अपरिचित आदमी आ जाए तो गाय दौड़ करके मारती है। उसे मालूम है कि मुझे अपने बच्चे की रक्षा कैसे करनी है। इतना ही नहीं होगा, गाय का बच्चा, अभी बच्चा दी है गाय, उस समय कोई सिंह भी आ जाए, बच्चे कहां चाहे गाय लड़ जाएगी, चाहे परिणाम जो हो लेकिन गाय उस सिंह से लड़ जाएगी अपने बच्चे की रक्षा के लिए। तो गाय भी जानती है अपने बच्चे की रक्षा कैसे करना। तो हर जानवर अपना पेट भर लेता है, जीवन जी लेता है, बच्चे भी पैदा कर लेता है, बच्चे का पालन पोषण भी कर लेता है। इतने में ही आदमी रह जाए तो जानवर और आदमी में अंतर क्या है। लेकिन इतने एक चीज और ख्याल रखना होगा, चिड़िया अंडे देती है, अंडे से बच्चे निकलते हैं, चिड़िया कहां कहां से दाना चुन करके लाती है, बच्चे को पालती है, चार छह दिन बाद हुए बच्चे उड़ने लग गए, बच्चे उड़ गए, चिड़िया को अब चिंता नहीं बच्चे कहां गए। कुतिया बच्चा दी, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गए, कुतिया जब तक छोटे छोटे बच्चे हैं आंख में बड़े तब तक कुतिया बड़ी चिंता है कहां कहां से वो चारा खाना लाती है, अपने बच्चे दूध पिलाती है, और जहां दो चार महीने के हुए बच्चे कहां गए कुतिया को कोई चिंता नहीं है। कुत्ता तो जानता भी नहीं मेरा कोई बच्चा है, बैल तो जानता भी नहीं मेरा कोई बच्चा है, गाय जानती है, दूध पिलाती है, साल भर का हुआ बछड़ा, गाय को चिंता नहीं मेरा बच्चा कहां हुआ, अब कहां गया, क्या खा रहा है। आदमी को बच्चे का बच्चा हो गया तो भी चिंता है, पता नहीं कि जीवन कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। जानवर बच्चे का पालन पोषण कर लेते हैं, चिंता नहीं होती, मन में कोई तनाव नहीं है कि मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे। और आदमी इतना समझदार, इतना ज्ञान और विवेक का खजाना, फिर भी आदमी को कितनी चिंता है। अपने लिए चिंता नहीं है, चिंता है बाल बच्चों के लिए कि मेरे नहीं रहने पर बाल बच्चों का क्या होगा। जैसे आपके दादा बाबा नहीं रहे और आप जीवन जी रहे हैं, वैसे आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे भी जीवन जिएंगे। हर घर का बूढ़ा मालिक मरता रहा है और हर घर चलता रहा है, अनादिकाल से यह क्रम चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हर घर का मालिक मरेगा और हर घर के बच्चा अपना जीवन जी लेगा। तो आदमी आत्मकल्याण का काम नहीं करता, उसे आत्मकल्याण की चिंता नहीं है, चिंता है मेरे नहीं रहने पर घर कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा।
तो ऐसा करो, कोई ऐसा उपाय करो, 2-4 हजार साल आप जी लीजिए और 10-20 पीढ़ी का पालन पोषण कर लीजिए। आदमी यदि 5 हजार साल भी जी लेगा ना तो भी होगा, बता नहीं मेरे न रहने पर बच्चों का क्या होगा, चिंता करने का स्वभाव है आदमी का। तो जब तक ये चिंता नहीं मिटेगी आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। जिम्मेदारी आपकी है, आदमी और जानवर में अंतर है। मैं ये नहीं कहता कि आदमी जानवर है, जानवर जानवर है, आदमी आदमी है। आप जिस घर में हैं, जिस परिवार में हैं, वहां बच्चे हैं, पत्नी है और अन्य माता पिता हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी होती है, तो उसका आप जिम्मेदारी का निर्वाह करिए, जिम्मेदारी का पालन पोषण करिए। बच्चे हैं तो उनके लिखाए पढ़ाएं, उनके योग्य बनाए, ये आपका कर्तव्य होता है। लेकिन कब तक सबके प्रति आपका कर्तव्य है, अपने प्रति कर्तव्य है या नहीं है? दुनिया के प्रति कर्तव्य निभाते निभाते अपने प्रति जो कर्तव्य है उसे हम बिल्कुल भूल गए, अपने लिए कोई जिम्मेदारी उसे हम भूल गए। संतान की जिम्मेदारी निभाएं। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, अब आपका बच्चा अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेगा, आपको चिंता क्यों करते हैं? लेकिन आदमी को चिंता करने का रोग लगा हुआ है और दुनिया चिंता करते करते दुनिया का काम तो पूरा नहीं होता, चिंता करते करते आदमी चिता तक पहुंच जाता है। चिता तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, अब चिंता करते करते पहुंचना है या चिंता छोड़ करके पहुंचना है, सोचना यह है। चिंता करते करते पहुंचे चिता तक तो आगे भी भवसागर में भटकना है, जैसे आज अनादिकाल से लेकर आज तक भटकते आए हैं ऐसे आगे भी भटकना होगा। और यदि संसार में रहते हुए जो बन सका परिश्रम करते रहे और परिश्रम करते हुए संसार की चिंता छोड़ दिए, संसार की कामना छोड़ दिए, इच्छा और वासना का त्याग कर दिए, तो फिर आगे हमारे लिए भवसागर समाप्त, आगे भटकना समाप्त, फिर तो सदैव के लिए कृतार्थ हो गए। भवसागर पार करने के लिए ही यह जीवन मिला हुआ है, और भवसागर है कहां? बाहर कहीं भवसागर नहीं है। नदी को आदमी पार कर लेता है, नाला को पार कर लेता है, तालाब झील को पार कर लेता है, यहां तक जहाज बना करके आदमी बड़े बड़े सागर को भी पार कर लेता है, अथाह जल का सागर समुद्र उसे भी आदमी पार कर लेता है। उसे तो उसके लिए आदमी उपाय खोज लेता है, लेकिन भवसागर क्या है? जिसे तरना है वह भवसागर कहीं बाहर नहीं है, भवसागर है भीतर। सदगुरु कबीर कहते हैं इच्छा करी भवसागर, इच्छा ही भवसागर है। इच्छा और कामना को छोड़कर, वासना और तृष्णा को छोड़कर और कहीं कोई भवसागर है नहीं। हमारा मन ही हमारे लिए भवसागर बनाता है। जितना हमारा मन दुनिया में डूबा होगा, मोहग्रस्त होगा, उतना ही हमारा भवसागर लंबा चौड़ा होगा और गहरा होगा। और जितना मोह मिटा होगा, मोह कम होगा, चिंता कम होगी, मन में विवेक होगा, विचार होगा, अनासक्ति होगी, वैराग्य होगा, उतना ही हमारा भवसागर उथला होगा और भवसागर छोटा होगा। पूर्ण विवेक विचार को उदय हो गया तो भवसागर पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसलिए हमें यह जो जीवन मिला हुआ है भवसागर को तरने के लिए मिला हुआ है, यही एक काम हमें करना है। अनादिकाल की दुनिया में सब काम हमने किया, भवसागर को पार करने का काम नहीं किया, क्योंकि दृष्टि बाहर रही है। आज भी दृष्टि बाहर है, अब दृष्टि को अंदर लाएं, विवेक जगाएं, विचार जगाएं और दुनिया में रहते हुए दुनिया की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का पालन करते हुए जिन लोगों के बीच रहते हैं सबके साथ सेवा सहयोग सहनशीलता क्षमा
प्रेम का व्यवहार करते हुए यह सोचें कि एक दिन इस दुनिया को छोड़कर मुझे जाना है, और जिस दिन आंख बंद हुई पूरी दुनिया से सदा काल के लिए संबंध छूट जाना है, फिर कभी याद नहीं होगी दुनिया की, तो सबको प्यार दें, लेकिन ये सोचें आजकल में मुझे जाना है, इसलिए सबसे अनासक्त रखें मन को, सबसे ऊपर उठा करके रखें मन को। प्रेम का व्यवहार जहां होगा वहां पर स्वर्ग का राज्य होगा, और अनासक्ति जहां रहेगी वहां पर मोक्ष होगा। जीवन में हम स्वर्ग का भी आनंद ले सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने एक शुरू किया था कि कितनी बड़ी जिंदगी हमें मिलती है मूल्य इसका नहीं है, कैसा जीवन हम जीते हैं मूल्य इसका है। जीवन में यदि मन विषय विकारों में डूबा हुआ है, लोभ मोह में डूबा हुआ है, राग द्वेष में डूबा हुआ है, अहंता ममता में पड़ा हुआ है, तो हम अपने लिए भवसागर का निर्माण कर रहे हैं, नरक का निर्माण कर रहे हैं, दुख का निर्माण कर रहे हैं, ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। और यदि संसार में रहते हुए सेवा सहायता समर्पण प्रेम का व्यवहार करते हुए संसार का जो उचित काम है वह काम करते हुए मन विवेक विचार में डूबा हुआ है, संयम सहनशीलता में डूबा हुआ है, मन अनासक्त है, आत्मचिंतन में डूबा हुआ है, तो आज हमारे लिए स्वर्ग है और आगे भवसागर समाप्त है। और हम ही यह काम कर सकते हैं, केवल आदमी ही यह काम कर सकता है। इस भाव को अपने मन में जमाए रखना है तो मौत की याद हमें पापों से बचाती है। शरीर का तो नाश होना ही होना है, चाहे तो न चाहे तो, सबका शरीर समाप्त हुआ है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि शरीर को हम अजर अमर बनाए रख सके। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका जन्म तो हुआ हो और मौत न हुई हो। सबकी मौत हुई है, हमारी भी मौत होगी, हमारी से मतलब शरीर की मौत। हम शुद्ध रूप से तो आत्मा है, जीव है, चेतन है, वह तो अजर अमर है, लेकिन शरीर में मोह बना बनाकर हम जन्म मरण चक्कर में पड़े हुए हैं। इस शरीर के मोह का त्याग कर दें, शरीर छूटने के पहले मोह को छोड़ दें, बस बेड़ा पार। कहीं कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक, आप ये भी कहते हैं कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। वही बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा, और विवेक का अर्थ क्या है, पहचान क्या है, कहीं मोह ना होना, कहीं आसक्ति ममता ना होना। सबको शुद्ध स्नेह दें, प्रेम का व्यवहार करें, अहंता ममता आसक्ति से मन को ऊपर उठा करके जीवन जिए, तो ये जीवन जीने का सही तरीका होगा, और इसका परिणाम होगा कि देह मोक्ष, आत्मकल्याण की प्राप्ति। अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम